यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 62। यशायाह अध्याय 62। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसका धर्म अरुणोदय की नाय और उसका उद्धार चलते हुए पलिते के समान दिखाई न दे। तब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा, और तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजकीय मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और न तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई कहलाएगी। तू तो हेप्सिबा और तेरी भूमि बुला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष कुमारी स्त्री को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे लड़के तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दुल्हा दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं जो दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसको भी चैन न लेने दो। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपने बलवंत भुजा की शपथ खाई है कि निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न तेरे शत्रुओं को खाने के लिए न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे, वरन वही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो उससे खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में रखा हो वही उसे मेरे पवित्र स्थान के अंगनों में पीने पाएंगे। निकल आओ, फाटकों में से निकल आओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंची करो, उसमें के पत्थर बिन बिन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा कर दो। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है कि सियोन की बेटी से कहो कि देख, तेरा उद्धारकर्ता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसके काम उसके सामने है, और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा।